सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी जिनकी पत्नी मेयर प्रत्याशी हैं सपा की, उनका रुख करते हैं। रतीश, सबसे पहले अमिताभ वाजपेयी से बात करते हैं। आप लोगों ने मतदान कर दिया है आज? कितनी आश्वस्त लग रही हैं, क्या दिख रहा है आप लोग? पूरी तरह से आश्वस्त हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होगा। अमिताभ जी वोट कास्ट कर दिए? बिल्कुल कर दिया, और सब लोगों से अपील करते हैं सभी लोग अपने घरों से निकलें, कानपुर के बेहतरी विकास के लिए और परिवर्तन भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना वोट करें। वोट डालने के पहले तमाम सियासी उठा पटक हुई है, रोड शो हुआ, आपने आपके द्वारा एक लेटर भी लिखा गया है, क्या शिकायत की? शिकायत नहीं, मेरी जिज्ञासा है। मुझे नहीं मालूम कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जो लोग सर्वदलीय पद पर बैठे हैं, जिनको सब दलों ने चुना है, क्या उनको दल के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव प्रचार इस तरह सड़कों पर करना चाहिए? मैंने देखा पिछली 25 तारीख से लगातार माननीय विधानसभा अध्यक्ष सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे। एक तरफ उसको मैं अपनी जीत मानता हूँ कि हमारे मतदाताओं की ताकत है कि उनको सड़क पर ले आए, लेकिन दूसरे उनकी मर्यादा क्या है इसको मैं जानना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिज्ञासा चुनाव आयोग से जाहिर करी है, अब जैसा चुनाव आयोग से जवाब आएगा उसको आगे देखेंगे। वंदना जी, वोट आप लोगों ने कास्ट कर दिया है आज, और वोट कास्ट करने के बाद उम्मीदें क्या किस तरीके की हैं? आप लोगों ने बड़ा मेहनत करी चुनाव, लोगों का सहयोग मिल रहा है। ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिनको लगता है आप कह रही कि जनता का सहयोग आपको मिला? साफ सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, पेयजल की समस्या, ये सारे मुद्दे हैं। ये कॉन्फिडेंस कितना बढ़ाता है कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव स्वयं यहाँ पर आपके लिए प्रचार करें? बहुत बहुत अच्छा लगा, वो लोग आए, उनका सहयोग मिला, बहुत अच्छा। जीत के प्रति आश्वस्त है? 100%। हम लोग जो शुरू हो जाते हैं सामने वाला अपने आप मैदान छोड़ने लगता है। आपको मालूम होगा कि उनके कसबल ढीले हैं, उनकी पार्टी के लोग घरों में सो रहे हैं। अब मशीनों को खराब करके या कुछ छल करके भली बात हो, अगर वोट से होगा तो बड़े अंतर से जीत हासिल होगी। छल की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई उम्मीद लगती है? जगह जगह मशीनें खराब होने की शिकायत आ रही है, बटन न दबने की शिकायत आ रही है। अब मशीनरी किस तरह से काम करेगी, वोटिंग कई जगह वोटिंग स्लो कराई जा रही है, तो हिंडेंसेस पैदा करिए। लेकिन कुल मिला के मुझे उम्मीद है, ऐसा विधानसभा चुनाव भी उन्होंने किया था उससे कोई अंतर नहीं पड़ा था, जीत आखिर हम लोगों की हो। अमिताभ वाजपेयी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखते हैं और कह रहे हैं कि तमाम जगहों पर ईवीएम्स खराब होने की शिकायतें उनको मिली हैं। हालांकि पत्नी वंदना वाजपेयी के साथ उन्होंने आकर प्रभात सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो बूथ बना है, 5 बूथ यहाँ पर हैं, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है और तमाम वीवीआईपी निकल रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। जनता भी कानपुर की अभी तक बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकली है। वंदना वाजपेयी का कहना है कि वो जीत के प्रति आश्वस्त दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए ये पूरी तस्वीर है अमिताभ वाजपेयी और वंदना वाजपेयी जो कि सपा की मेयर प्रत्याशी है कानपुर से। उन्होंने कहा कि उनको जीत की पूरी उम्मीद है, लोगों का उत्साह है। और देखिए एक बार स्क्रीन भी आपको दिखा देते हैं, आप देखिए चारों तरफ जानकारियां निकाय चुनाव से जुड़ी। ऊपरी हिस्से में आप देखेंगे तो जो चुनाव में मेयर प्रत्याशी उनकी डिटेल्स हैं, 2017 में क्या परिणाम आए थे ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारी दाहिनी तरफ आप देखिए जिला नगर पालिका और नगर परिषद में जो प्रत्याशी मैदान में है उनके बारे में बता रहे हैं, और हमारी बाएं तरफ जितनी भी छोटी बड़ी जानकारी है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई वो सारी डिटेल्स सब आपको दे रहे हैं। लगातार हमारे दो सहयोगी बने उनके पास जाएंगे, लेकिन 7 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मतदान चल रहा है, 2 घंटे बीत चुके हैं और किस तरीके से उत्साह दिख रहा है आप देखिए। पहली तस्वीर दिग्गजों ने वोट डाला है और तमाम बड़े जो नेता हैं वो पहुंचे वोट डालने के लिए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कड़ी निगरानी में वोटिंग चल रही है, लाइन में सुबह से मतदाता लगे हुए हैं, पोलिंग बूथ पर सुरक्षा है, साथ ही मॉनिटरिंग भी लगातार हो रही है। पिंक बूथ बनाए गए हैं, महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और मतदाताओं ने वोट डाला है। खासतौर से सिवाल खास से जो तस्वीरें आई थी इतनी भीड़ थी वहां पर कि कई लाइनें लगानी पड़ गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।